गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम दूड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज, चक 5 PLM, श्री विजयनगर, इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री फर्स्ट भारत का इतिहास की प्रारंभ से लेकर 1206 तक की घटनाओं की जानकारी दी गई है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। कल के वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोतों को 3 भागों में बांटा था, साहित्यिक सामग्री, पुरातात्विक सामग्री, विदेशी यात्रियों के विवरण। साहित्यिक सामग्री में ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद, आर्यक, महाकाव्य, वेदांत आदि आते हैं, जबकि ब्राह्मणोत्तर साहित्य में बौद्ध और जैन ग्रंथ शामिल किए जाते हैं। पुरातात्विक सामग्री में सिक्के, खंडन, स्मारक, अभिलेख, स्थापत्य कला आदि शामिल किए गए हैं, जबकि विदेशी यात्रियों के विवरण में अवेंसन, पायान, इत्सिंग, सुमाची आदि के नाम मुख्य रूप से लिए गए हैं, जिनके विवरणों के आधार पर प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो कल के वीडियो में हमने साहित्यिक सामग्री के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, वेदांत, स्मृतियाँ, पुराण आदि आते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। किस प्रकार इनके आधार पर प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। आज हम ब्राह्मण साहित्य के बाद ब्राह्मणेतर साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध और जैन साहित्य शामिल किए गए हैं। इसके आधार पर प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को जानने में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है। तो बौद्ध साहित्य, इसमें मुख्य रूप से त्रिपिटक ग्रंथ शामिल है। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत मुख्य रूप से त्रिपिटक ग्रंथ शामिल है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ जो कि प्राचीन इतिहास, सभ्यता और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान करता है। बौद्ध साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक ग्रंथ माना गया है। इसकी संख्या 3 है। बौद्ध साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है, इसकी संख्या 3 है। शुद्धपिटक, विनयपिटक, नंबर 1 है शुद्धपिटक, नंबर 2 है विनयपिटक, शुद्धपिटक, विनयपिटक एवं अभिधम्मपिटक। शुद्धपिटक, विनयपिटक तथा अभिधम्मपिटक। शुद्धपिटक जिसमें कि महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है, इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। विनयपिटक बौद्ध संघ के नियमों का जो लेख है विनयपिटक में किया गया है, जबकि अभिधम्मपिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचन है। अभिधम्मपिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन का विवेचन किया गया है, अर्थात दार्शनिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है अभिधम्मपिटक में किया गया है।
तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें तीन भागों में बांटा गया था। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई थी। इन त्रिपिटकों की जो रचना है वह महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई थी। तो इस प्रकार त्रिपिटक ग्रंथ अर्थात त्रिपिटक, विनय पिटक, अधम पिटक प्रमुख रूप से माने जाते हैं। इनकी संख्या तीन होने के कारण ही इसे त्रिपिटक कहा गया था। तो इस प्रकार सुत्पिटक में महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों वचनों का संग्रह है। विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के नियमों का उल्लेख किया गया है। महात्मा बुद्ध के बोध संघ के नियमों का उल्लेख विनय पिटक में किया गया है, जबकि अभिधम्म पिटक में बोध दर्शन के विवेचन किया गया है। बोध दर्शन अर्थात सिद्धांतों का विवेचन इसके अंतर्गत किया गया है। इसके पश्चात आती है जातक कथाएं। जातक कथाएं, तो जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाओं का जो वर्णन है इसके अंतर्गत किया गया है। इनके अध्ययन से हमें तत्कालीन समाज की सांस्कृतिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है महावंश और दीपवंश। महावंश और दीपवंश यह लंका में लिखे गए लेख है। यह लंका में लिखे गए बौद्ध धर्म ग्रंथ है। इसमें लंका के इतिहास के साथ साथ भारतीय इतिहास पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। मौर्य काल के इतिहास को जानने का यह एक मुख्य स्रोत भी है। महावंश एवं दीपवंश मौर्य वंश के इतिहास को जानने का एक मुख्य स्रोत भी माना जाता है। नेक्स्ट है महावस्तु। नेक्स्ट है महावस्तु, इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन वृतांत का वर्णन जो है मिलता है। महावस्तु में महात्मा बुद्ध का जीवन वृतांत का जो वर्णन है इसमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है दिव्यावसान। दिव्यावसान, तो इसमें सम्राट अशोक तथा उसके उत्तराधिकारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। दिव्यावदान में मौर्य सम्राट अशोक और उसके प्रमुख उत्तराधिकारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है बुद्धचरित्र। बुद्धचरित्र, इस ग्रंथ के रचयिता अश्वघोष थे। इस ग्रंथ के रचयिता अश्वघोष थे, जो कि कनिष्क प्रथम के प्रमुख विद्वान थे। इसमें महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक जीवन और सिद्धांतों का वर्णन छोड़ा गया है। बुद्धचरित्र के लेखक जो हैं अश्वघोष थे। अश्वघोष जो कि कनिष्क प्रथम के दरबार के विद्वान रहे थे। इसमें महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक जीवन और सिद्धांतों का वर्णन अच्छे ढंग से किया गया है। इसके अलावा अगुत्तर निकाय, इसमें भी 16 महाजन पदों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार बौद्ध ग्रंथों के द्वारा प्राचीन सभ्यता इतिहास और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। आइए हम देखते हैं जैन साहित्य।
बौद्ध साहित्य के बाद जैन साहित्य। तो इस प्रकार प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण के लिए जैन साहित्य से भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। इन ग्रंथों में तत्कालीन भारत के गणराज्यों और राजतंत्रों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जैन साहित्य का प्रमुख ग्रंथ परिशिष्ट पर्वण है। जैन साहित्य का प्रमुख ग्रंथ परिशिष्ट पर्वण है। इस ग्रंथ की रचना हेमचंद सूरी ने की। इस ग्रंथ से हमें महावीर स्वामी के समय से लेकर मौर्य काल तक की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। परिशिष्ट प्रवण से हमें महावीर स्वामी के समय से लेकर मौर्य काल तक की महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जैन ग्रंथ जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन आगामों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। आचार रंग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किया गया है। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किया गया है। भगवती सूत्र में महावीर जीवन के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। नया धम्म कहा में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। नया धम्म कहा ग्रंथ के माध्यम से महावीर स्वामी जी की शिक्षाओं का सार इसमें दिया गया है। 12 अंगों में प्रत्येक का उपांग है। इन पर अनेक भाष्य लिखे गए जो कि नियुक्ति चूर्णी टीका कहलाते थे। जैन आगामों का वर्तमान रूप एक सभा में निश्चित किया गया था जो 513 या 526 में बलाबी में थी। भगवती सूत्र में 16 महाजन पदों का उल्लेख किया गया है। भगवती सूत्र में 16 महाजन पदों का उल्लेख किया गया है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कलप सूत्र से ज्ञात होता है जिसकी रचना भद्र बाहु ने की। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कलप सूत्र में प्राप्त होता है। इसकी रचना भद्र बाहु ने की थी। जैन ग्रंथों की रचना प्रकृत भाषा में हुई। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वण
भद्रबाहु चरित, आवश्यक सूत्र, आचारान सूत्र, भगवती सूत्र, कलिका पुराण आदि का विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनमें अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह हमें प्राप्त होती है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ परिशिष्ट पर्वण ही है। जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। हेमचंद सूरी ने इसकी रचना की थी। परिशिष्ट पर्वण तथा भद्रबाहु चरित से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का प्रारंभिक तथा उत्तराकालीन घटनाओं की सूचना हमें प्राप्त हो जाती है। पूर्व मध्यकाल में अनेक जैन कोशों और पुराणों की रचना की गई। इसमें महत्वपूर्ण है हरिभद्र सूरी का समरादित्य कथा, मूर्खा ख्यान और कथा कोश। पूर्व मध्यकाल में अनेक जैन कथा कोशों और पुराणों की रचना की गई। इनमें महत्वपूर्ण है हरिभद्र सूरी का समरादित्य कथा, मूर्खा ख्यान और कथा कोश। उद्योतन सूरी का कुवल यमाला, जिन सेन का आदि पुराण तथा गुणभद्र का उत्तर पुराण आदि मुख्य हैं। तत्कालीन जैन समाज की सामाजिक धार्मिक दशा पर ये अच्छा प्रकाश भी डालते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत वो जो जैन साहित्य शामिल किए गए हैं जिससे हमें प्राचीन भारत के तत्कालीन समय की सांस्कृतिक दशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके पश्चात हम देखते हैं लौकिक तथा ऐतिहासिक साहित्य, इसके आधार पर हमें प्राचीन भारतीय इतिहास और सभ्यता को जानने में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। आइए अब हम देखते हैं लौकिक एवं ऐतिहासिक साहित्य, जिसके आधार पर हमें प्राचीन भारत का इतिहास, सभ्यता और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया गया है। इसकी रचना कौटिल्य ने की। कौटिल्य अर्थात विष्णुगुप्त चाणक्य एक ही नाम है। अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस ग्रंथ की रचना हुई थी। इसका लेखक चाणक्य विष्णुगुप्त था। इसके अंतर्गत मौर्य सम्राट अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यकालीन सभ्यता और संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान मंत्री था, जिसने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ से हमें मौर्यकालीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो मौर्यकालीन इतिहास और राजनीतिक ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में है। यह महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। 15 अभिकरणों या खंडों में विभक्त अर्थशास्त्र का द्वितीय और तृतीय खंड जो है सर्वाधिक प्राचीन है। अर्थशास्त्र प्राचीन राजतंत्र तथा अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। इसके पश्चात है नंबर 2 पर है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस ग्रंथ से हमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों के विनाश का जो वर्णन है इसमें किया गया है। इसमें मौर्य मंत्री चाणक्य और नंद मंत्री मुद्रा राक्षस
कि कुटिल चालों का जो वर्णन है इसमें किया गया है। तो विषाक्त वाला रचित मुद्रा राक्षस का जो ध्यान है हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। नेक्स्ट है महामिका अग्निमित्र। महामिका अग्निमित्र इस ग्रंथ के रचयिता महाकवि कालिदास है। महामिका अग्निमित्र तो महाकवि कालिदास द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी। शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग, उसके पुत्र अग्निमित्र व शुंग यमन संघर्ष तथा शुंग विदर्भ संबंधों के बारे में इस ग्रंथ से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ महामिका अग्निमित्र ग्रंथ से हमें तत्कालीन समाज की सांस्कृतिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है पंतजलि का महाभाष्य। तो पंतजलि के महाभाष्य से भी प्राचीन भारतीय इतिहास और सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तो ऐतिहासिक ग्रंथों में अर्थशास्त्र, विशाखा का मुद्रा राक्षस, महामिका अग्निमित्र तथा पंतजलि का महाभाष्य, इसके अलावा मृच्छकाटिक, इसके अलावा मृच्छकाटिक नाटक से हमें तत्कालीन समाज और यथार्थ का वर्णन हमें प्राप्त होता है। पंतजलि के महाभाष्य तथा कालिदास के महामिका अग्निमित्र से हमें शुंग काल के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है, जबकि शूद्र के मृच्छकाटिक ग्रंथ से हमें तत्कालीन सभ्यता इतिहास और संस्कृति के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। शूद्र के मृच्छकाटिक नाटक से तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्र हमें प्राप्त होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों का 7वीं-8वीं शताब्दी में काम नंदक ने अपने नीति सार में इसे संकलित किया। इसी प्रकार ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कलन द्वारा रचित राजनगरी तरंगनी। इस ग्रंथ से हमें प्राचीन सभ्यता और इतिहास संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो ऐतिहासिक ग्रंथों में कलहन द्वारा रचित राजतरंगनी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस ग्रंथ में प्राचीन समय से शुरू से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर का इतिहास का वर्णन इसमें छोड़ा गया है। कश्मीर के राजाओं के भारत के जिन राजाओं के साथ युद्ध हुए और या फिर वो अन्य प्रकार से कश्मीर के संपर्क में आए, इसका जो वर्णन है कलहन ने अपनी पुस्तक राज तरंगिणी में छोड़ा है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। राज तरंगिणी की रचना 1149-50 ईस्वी में अर्थात 12वीं शताब्दी में था।
शताब्दी में इसकी रचना हुई। इससे कश्मीर के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार सोमेश्वर कृत रसमाला तथा कीर्ति कौमुदी मेरुतंग कृत प्रबंध चिंतामणि राजशेखर द्वारा कृत प्रबंध कोश आदि ग्रंथों से हमें गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास और उसके समय की संस्कृति दशा का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। जबकि गार्गी संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख किया गया है। गार्गी संहिता इसमें कि यवन आक्रमण का उल्लेख किया गया है। गार्गी संहिता जिसमें कि यवन आक्रमण का उल्लेख इसमें किया गया है। इसके अलावा ऐतिहासिक ग्रंथों में अश्वघोष कृत बुद्ध चरित्र तथा बाण भट्ट का हर्ष चरित्र अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र बाण भट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र तथा वाग्पति का गोड़ बहु विलहन का विक्रमादेव चरित्र पद्मपुत्र का नव सहास चरित्र तथा हेमचंद्र सूरी द्वारा कृत कुमारपाल चरित्र जयनाग द्वारा पृथ्वीराज विजय आदि जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके आधार पर तत्कालीन समाज सभ्यता और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास संगम साहित्य से हमें प्राप्त होता है। सुदूर दक्षिण के पल्लव और चोल शासकों का जो इतिहास है वह नंदी कलम कम और कलिंग तथा कलित्तु परिणी तथा चोल चरित्र से हमें प्राप्त होता है। 13वीं शताब्दी के आरंभ होने वाले अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा। इसे फारसी अनुवाद चचनामा नामक पुस्तक में उपलब्ध है। इसके अलावा इन ग्रंथों के अलावा ऐसे और भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसके आधार पर हमें तत्कालीन सभ्यता और समाज संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। गार्गी संहिता जिसमें कि शुंगकालीन भारत की सांस्कृतिक दशा और जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो जिसकी रचना जयनाग ने की थी, इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुए युद्ध का वर्णन छोड़ा गया है तथा मैगैसनीज की इंडिका नामक पुस्तक से मौर्यकालीन भारत की सांस्कृतिक दशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। मैगैसनीज की इंडिका से मौर्यकालीन सभ्यता संस्कृति समाज व्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके साथ ही प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत के अंतर्गत साहित्यिक सामग्री यहीं समाप्त होता है। कल हम पूरा राष्ट्रीय सामग्री विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर जो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति को समझने में सहायता मिलती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।